हमारे करोड़ों करोड़ों भाई जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई यहाँ आए हैं, वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, अपना जान माल गवा कर आए हैं, महिलाओं की इज्जत लूट ली गई, मंदिर तोड़े गए, गुरुद्वारे तोड़े गए, उनको वहां से भगाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं। मुझे बताओ उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी सीए लेकर आए, लाखों करोड़ों बंगालियों को नागरिकता मिल दी है, ममता दीदी ने इसका विरोध किया, बंगाल के अंदर दंगे करा दिए, ट्रेनें जला दी, रेलवे स्टेशन जला दिया। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, ममता दीदी ये मेरे नाम शूद्र और मतुआ परिवार के दलित भाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं, आप क्यों विरोध कर रही हो? क्यों आपको ये अपने नहीं लगते हैं? आपको घुसपैठिए ही अपने लगते हैं? आपको जो लगे वो लगे, मैं बताने आया हूं, 70 साल से जो शरणार्थी भाई यहां आए हैं, हम उनको नागरिकता देकर रहेंगे, उनको सम्मान देकर रहेंगे। भाइयों बहनों, शरणार्थियों को डराया जा रहा है, आपको कागजात देने पड़ेंगे, आपका रहने का यहां से अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पुलिस स्टेशन जाइए, पटवारी के पास जाइए। मैं आपको कहता हूं, कहीं ना जाइए, हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई सारे लोग जो यहां आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वो सबको नागरिकता देने वाली है, ममता दीदी हमें रोक नहीं सकती। कितना भी करो आप हमें रोक नहीं सकते हो ममता दीदी, जब आप सीए का विरोध कर रहे हो, आप गुरुचंद ठाकुर, हरिचंद ठाकुर, पंचानंद बर्मन जैसे व्यक्तियों का अभियान का विरोध कर रहे हो, आप महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मौलाना आजाद के वादे का विरोध कर रही हो। मैं आपको कहने आया हूं कि 70 सालों से प्रताड़ित लोग, 70 सालों से प्रताड़ित लोग अपने ही देश में परदेशी बनकर बैठे हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए। मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये कितना भी विरोध करे, हम नागरिकता देकर रहेंगे। मित्रों, देश की संसद के बनाए हुए कानून का ममता दीदी विरोध कर रही है, उनको जानना चाहिए कि आप रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रेरणा का विरोध कर रही है, बोरोमा के त्याग का विरोध कर रही है, गांधी जी के विचार का विरोध कर रही है और डॉक्टर आंबेडकर के संविधान का विरोध कर रही है। आप कितना भी जोर लगा दो, हम इस शरणार्थी भाइयों बहनों को गले भी लगाएंगे, नागरिक भी बनाएंगे और सम्मान भी देंगे। मित्रों, ममता दीदी के शासन में बंगाल बहुत पिछड़ गया है। मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर विकास की तालिका में सभी राज्यों में बंगाल 20वें स्थान पर है। हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। राज्य में 70% किसान कर्ज में डूबा हुआ है। मोदी जी पीएम किसान के माध्यम से 6,000 रुपया किसान को देना चाहते हैं, वो पहुंचने नहीं देती है। अरे दीदी, बैर है तो भाजपा से निकालो, गरीब किसानों को आप क्यों परेशान कर रही हो? आज बंगाल के सर पर 3,75,000 करोड़ का ऋण है। कम्युनिस्ट
1,92,00,000 छोड़कर गए थे, ममता दी ने 3,75,000 करोड़ बना दिया है। जन्म लेते ही 40,000 रुपए का ऋण बंगाल के बच्चे के सर पर आता है। FDI 2% से नीचे है। विद्युत की खपत देश की एवरेज से 30% नीचे है। तालाबंदियों में 80% कारखाने देश के बंगाल में बंद हुए हैं और औद्योगिक विवाद में डिस्प्यूट में भी 84% समय देश का यही गया है। बंगाल सोनार बांग्ला ममता जी के नेतृत्व में नहीं बनता। आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमान दे दो, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे, सोनार बांग्ला बनाकर। मित्रों, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में मुझे कुछ कहना नहीं है। बम धमाके, टोलबाजी, भ्रष्टाचार, लूट, गुंडागर्दी, ट्रेनें जलाना, ये बंगाल को तबाह कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी ही इसका रास्ता निकाल सकती है। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, ये टोलबाजी जो करते हैं, सिंडिकेट चलाते हैं, वार्ड से लेकर शहजादे तक, आप भाजपा की सरकार बनाओ, एक एक को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम है भारतीय जनता पार्टी का। हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जो जनता को परेशान करते हैं उनको सीधा करना भाजपा को ढंग से आता है, आपका समर्थन चाहिए। मित्रों, दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, विजयादशमी हम मना नहीं सकते, रामनवमी हम मना नहीं सकते, स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद करा दी गई है और भ्रष्टाचार, भतीजे से लेकर सरपंच तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला है। मित्रों, इस शासन को बदलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में बंगाल को 3,59,000 करोड़ रुपया दिया है। कांग्रेस पार्टी के शासन में 1,32,000 करोड़ मिलता था, मोदी जी ने 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। इसके अलावे ग्राम ज्योति योजना के 4,000 करोड़, आवास योजना के 16,000 करोड़, शहरी आवास योजना के 1,700 करोड़, नेशनल हाईवे के लिए 10,000 करोड़, कलकत्ता मेट्रो के लिए 12,500 करोड़ और 59,000 करोड़ दिया है। मगर ये सारा पैसा ममता दीदी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। मित्रों, भ्रष्टाचार की भेंट, मोदी जी अकेले बंगाल का विकास नहीं कर सकते। ममता दीदी की सरकार मोदी जी को बंगाल का विकास करने नहीं दे रही। मैं आपको कहने आया हूं, आपने 2 दशक तक कम्युनिस्टों को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई, दिया या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? दोनों ने विकास किया क्या? जरा जोर से बोलो, किया? आप एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को दे दो, हम 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। मित्रों, सोनार बांग्ला बनाएंगे। मित्रों, आज हमने जो अभियान लॉन्च किया है, आर नॉय अन्याय, मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं, ये अभियान के साथ जुड़िए और बंगाल को ये जुल्मी शासन से मुक्त कराइए। आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर करो भाई, कितने लोगों के पास है? सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालो, जरा मंच पर भी सभी लोग निकालो मोबाइल, निकालो मोबाइल, हाथ ऊपर करके दिखाओ मुझे, निकाला सबने? डायल मोड पर ले लीजिए इसको, मैं एक नंबर बोलता हूं, 2 बार बोलूंगा, वो नंबर दबाने से आर नॉय अन्याय अभियान के साथ आप जुड़ जाओगे। बोलू नंबर? बोलू, मगर सिर्फ आपका नंबर नहीं चाहिए,
आपके माता का, पिता का, बहन का, बहनोई का, भाई का, भाभी का, चाचा का, चाची का, फूफा का, फूफी का, दोस्त की पत्नी का, सबको ये नंबर दबवाना है, दबाएंगे। ये नंबर ही शरणार्थियों को नागरिकता देगा, ये नंबर ही भ्रष्टाचार और आतंक से आपको मुक्त दिलाएगा, और ये नंबर ही यहाँ पर फिर से एक बार गुरुवर टागोर की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाएगा। तो मैं बोलू नंबर, जोर से बोलो। तो मैं बोलता हूं, अंग्रेजी में बोलता हूं, बाद में हिंदी में बोलूंगा। 9727 29 42 94। फिर से बोलता हूं, 9727 29 42 94। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करता हूं, इस नंबर पर आप एक मिस कॉल दीजिए, बंगाल में जो चेतना की लहर उठेगी इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगी, और यहां पर भी एक बहुत सुंदर कमल खिलेगा जिस पर बैठकर मां लक्ष्मी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए आएगी। मित्रों, मेरे साथ एक बार जोर से दोनों हाथ उठाकर नारा लगाइए, गगन भेदी नारा, भारत माता की जय का लगना चाहिए। मेरे साथ उठाइए हाथ, दोनों हाथ उठाइए, दूर तक, पीछे तक, मीनार तक हाथ उठाइए सभी लोग, और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।